पिंपरी चिंचवड येथे भोसरी सद्गुरुनगर येथे पाण्याची टाकी कोसळून 3 ते 4 बिगारी कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती सध्या समोर येत आहे। या ठिकाणी अॅम्ब्युलन्स आणि अग्निशमन दलाचे जवान बचाव पथकाचे अधिकारी दाखल झाले। त्या ठिकाणी बचाव कार्य सध्या सुरू आहे। आज सकाळी ही घटना घडलेली आहे। अग्निशमन दल आणि पोलीस प्रशासन देखील या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे। पिंपरी चिंचवडच्या सद्गुरुनगर मधल्या पाण्याची टाकी कोसळून अनेक जण त्याखाली अडकल्याची प्राथमिक माहिती आहे। या दुर्घटनेचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाहीये। ही टाकी कशामुळे कोसळली याबाबत अद्याप अस्पष्टता आहे। पाण्याच्या टाकीचं निकृष्ट दर्जाचं काम झालं असल्याचं स्थानिक लोकांचं म्हणणं आहे। स्थानिक नागरिक चांगलेच आक्रमक झाले असून बिल्डरवर कारवाई करण्याची मागणी सध्या केली जात आहे। इसमें नल लगा हुआ था नहाने के दरमियान, वो जो वाल है अब देख सकते हैं इधर तक गिरा वहाँ पे था, तो ये वाल गिरने के कारण हम लोग जैसे रूम पे थे तो हम लोग को आवाज समझ में आई कि उधर लड़ाई मारने यहाँ आके देख रहे हो टाकी गिर गया। टाकी गिरने के कारण अभी तो देख रहे इधर 15 से 20 आदमी बुरी तरह से जख्म था, घायल था, और साथ साथ जो इन लोग जीवित था, जो आदमी अभी मरा है इन लोग जीवित था, साथ चल रहा था। हम लोगों ने फोन किया, इधर भी साहब का भी एक भी सीनियर साहब कोई भी नहीं आया, और एम्बुलेंस भी नहीं था। अगर उस टाइम एम्बुलेंस होता, अवेलेबल होता, जो मरा है वो जीवित होता साहब, उसका ट्रीटमेंट चलता वो जीवित हो सकता था, बट उसके कारण वो मर गया। इसका मुआवजा और पुलिस प्रशासन के सामने हम लोग बोल रहे हैं, चार आदमी आके हम लोग को दबाया, जब बोल नहीं पा रहे, क्योंकि चार आदमी मेरे ऊपर परेशान देगा, किसी के ऊपर परेशान वो तो चुप हो जा रहे थे, लेकिन प्रशासन का काम हुआ है, कर रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन ये इतना नहीं कि चलो लेके जाओ। ये जो जो टाकी बनाई गई थी, जो वाटर टैंक बनाया गया था, इसका क्या काम अच्छे से नहीं हुआ था? इसका बिल्कुल नहीं सर, ये अच्छे से नहीं हुआ। जो इसका लगना चाहिए मेटेरियल लगना चाहिए, जो पिलर लगना चाहिए, वो इसमें लग नहीं पाया, और चालू काम हुआ, गीला था ये, तभी में पानी डाल दिया गया। इसमें कम से कम सूखने के लिए देना चाहिए, 2 से 3 दिन पिलर भी डालना चाहिए, बट पिलर इसमें एक भी नहीं डाला था। इसके कारण लापरवाही के कारण जो आदमी का दुर्घटना हुआ, आदमी जो मरा है, बिल्कुल लापरवाही की वजह से। क्या मांग रहेगी तुम्हारी? देखिए जो गरीब लोग, हम लोग 2829 किलोमीटर चल के आए इधर, कोई बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, सब स्टेट से, अलग अलग स्टेट से आए हुए इधर आदमी कमाने के लिए 2 पैसा। अभी जो मर गया उसका घर में क्या बीत रहा होगा साहब, उसको कितना मुआवजा देगा? 2 से 3 लाख देगा, उसको दबा देगा? ऐसा नहीं, उसको जो है ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उसका घर में कोई दिक्कत ना हो। उसके फैमिली में उसके सब है, बेटा, बच्चा, माँ बाप है, उसके घर में क्या बीत रहा होगा साहब? अभी ये कौन सी कंपनी का यहाँ पे काम चल रहा था? और ये जो है NCC कंपनी यहाँ पे जो लेबर कैंप बनाया गया, ये क्या लीगल था, इलीगल था, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको मिली थी? क्योंकि ये जगह के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, ये हमको कंफर्म मालूम नहीं है जो इलीगल है क्या, ये हमको कंफर्म मालूम नहीं। नाम बोलिए आपका। आपका नाम? MD जमान। क्या नाम है आपका? क्या लेबर हो? सुपर वर्कर ही काम कर। और कोई कहते बोले यहाँ पे जी? अगर मेरा एक पर्सनल मैटर होता है, ये वारदात घटने के बाद में कंपनी के लोग यहाँ पे आए क्या?